गाइस वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस रैंडी ऑर्टन से, हमारे रोमन रेंस से, कोडी रोड से और रसलमेनिया 40 से बहुत मेजर अपडेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन से। गाइस आपको पता होगा रैंडी ऑर्टन का 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था डब्ल्यू के साथ, तो गाइस बहुत सारे रूमर थे कि AEW चल जाएंगे। रैंडी ऑर्टन कभी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे प्रमोशन में, क्योंकि WWE में जिस लेवल पे वो हैं भाई साहब, वो इसी में रहेंगे कंपनी में। तो ये आप छोड़ दो कहना कि रैंडी ऑर्टन किसी और प्रमोशन में जा सकते हैं। एंड गाइस उन्होंने 10 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन की हुई है, ऑल टाइम वो WWE के साथ रहना चाहते हैं। एंड गाइस उनका मैच भी अब रॉयल रंबल में होने वाला है ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंज के साथ, तो वो अपना रिवेंज भी ले लेंगे। तो गाइस उन्हीं से ये अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट एक और है, वो भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड अपडेट जुड़ी हमारे रेय मिस्टीरियो से। गाइस तो रेय मिस्टीरियो लेगाडो फंटाजमा का मैच रॉयल रंबल में होना तय हुआ था, तो गाइस अब वो इंजर्ड हो चुके हैं। रेय मिस्टीरियो इंजर्ड है, उनकी लेग पे इंजरी हो गई है, परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें अपने टाइटल भी रिलिंक्विश मतलब हार के जाना पड़ा, तो ये सबसे बड़ा रीजन था। तो गाइस ड्रैगन ली ने संतोष कुमार को चैलेंज किया था सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन ड्रैगन ली हार गए। और गाइस ड्रैगन ली को रेय मिस्टीरियो तो बनाया जा रहा है नेक्स्ट, लेकिन गाइस अभी भी प्लान चेंज नहीं हुए। रेय मिस्टीरियो वर्सेस संतोष कुमार का मैच होगा रॉयल रंबल में या रसलमेनिया में, क्योंकि अभी यार उन्हें हील करने में टाइम लगेगा, क्योंकि रेय मिस्टीरियो की लेग इंजरी है, तो हील होने में टाइम लगता है मतलब दोबारा अपनी बॉडी को मतलब जैसे फिट करने में टाइम लगता है ना, तो वैसे होगा। तो देखो गाइस इनका मैच होता है नहीं, बट मुझे लगता है इनका मैच होगा एंड संतोष कुमार जीतेंगे उस मैच को, क्योंकि संतोष कुमार को नेक्स्ट लेवल पुश देने के लिए WWE तैयार है। तो मैं नेक्स्ट पे जुड़ी है लिम मॉर्गन से। तो कई बार गाइस अपडेट आते लिम मॉर्गन आ रही है, लेकिन वो इंजर्ड हो गई थी, दोबारा से इंजर्ड हो गई थी, लेकिन गाइस बहुत से व्यूमर है कि वो रॉयल रंबल में आ सकती हैं एंड वो भी जीत सकती हैं, क्योंकि 3-4 वुमेन्स हैं जो कैटेगरी में हैं जीतेंगी। फर्स्ट बेली, सेकंड लिम मॉर्गन, थर्ड हमारी है जेडा कागिल, तो उन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, वो भी देख लेना। तो गाइस वो कंफर्म है कि जीत सकते हैं, मतलब इनमें से कंफर्म है, क्योंकि यार आपको पता है लिम मॉर्गन मनी इन द बैंक भी जीत चुकी हैं एंड गाइस वो मतलब चैंपियनशिप होल्ड कर चुकी हैं स्मैकडाउन टाइटल को। तो देखो गाइस क्या होता है लिम मॉर्गन के साथ। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट ब्रेक जुड़ी है रसलमेनिया 40 से। तो गाइस रसल वॉर्स मतलब कहना ये है, रिंग मतलब कई रूमर्स हैं कि रसलमेनिया 40 में भी रोमन रेंज अपना टाइटल डिफेंड करके रिटेन कर लेंगे एंड गाइस कोडी रोड नहीं जीतेंगे। तो यार मुझे तो लगता है अगर कोडी रोड जा रहे हैं रोमन रेंज को हराने, स्टोरी फिनिश करने, तो मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स हारेंगे फिर से, WWE हरवाएगी। अगर यार कोडी रोड्स फिर से हार गए तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कोडी रोड को जिताने का, किसी को भी जिताने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर रोमन रेंज को डिटोन ही नहीं कर पा रहा तो कोई फ़ायदा है हराने का। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग शायद कोडी रोड्स हरा दें, जहाँ फिर CM Punk इन फ्यूचर में वो काम करे जो कोडी रोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है CM Punk और रोमन रेंज की स्टोरी भी चलेगी इन फ्यूचर। तो देखो गाइस कुछ भी हो सकता है, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, रिंग न्यूज़ और स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गाइस Triple H मास्टरमाइंड बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। रोमन रेंज हारेंगे या जीतेंगे ये तो पता चलेगा असल में देखने के बाद। तो गाइस ये तो अपडेट्स थी, और कल गाइस होने वाला मंडे नाइट रॉ, तो उसकी भी थोड़ी सी अपडेट आई थी कि कल हमारे में होगा ग्रीक ब्रदर्स वर्सेस जजमेंट डे के दो मेंबर, अपने डोमिनिक मिस्टीरियो एंड दूसरे वाले जेडी मैकडाना, इनका मैच होगा, क्योंकि बिल्ड करनी है हाइप। टैग टीम नंबर वन कंटेंडर है ग्रीक ब्रदर्स एंड गाइस पेपर नेविस एंड डिकोटा काए जो नतालिया है उनका मैच भी होगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच। तो ये कल रॉ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली गई थी, पूरा वीडियो पैकेट चलाया गया था। तो गाइस ये कंफर्म है कि रो में ये जो चीज़ें होंगी, बाकी क्या होता है बाकी देखने के बाद पता चलेगा। एंड गाइस ये अपडेट थी ऑफिशियली। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।